हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। ये देखो, आज मैं लेकर आया हूँ ब्लोरेक्स का एक नया कार वॉशर मशीन। इसका मॉडल नंबर है CW130। जो पावर है वो है 2300 वाट्स का मशीन है। तो मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, तो मैं जल्दी से आपको मैं इसके अंदर का दिखाता सामान अंदर क्या क्या है। ओके, ये मैनुअल बुक है, ये देखो ये, और ये देखो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ, और ये देखो ये है मेन चीज़, यह है फोम केन, जिसकी कीमत शायद 1500 से लेकर के 1800 तक का है, जो आप आजकल आपके मशीन के साथ में फ्री में देता है। ये देखो ये है फोम केन का, ब्रास मटेरियल होता है, इस वजह से ये थोड़ा सा महंगा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका वज़न, नहीं तो नहीं 200-250 ग्राम खाली इसका वज़न है। ये देखो ये ब्रास मटेरियल का है, और ये इसका फोम केन है जिससे हम उसको इसके अंदर शैम्पू डालते हैं। ये देखो ये इस मशीन के साथ पैक के साथ फ्री में आता है। उसके बाद क्या है, ये जो नॉर्मल गन है जो मशीन के साथ आता है। ओके, ये देखो ये वाइट कलर का नाइलॉन टाइप का जो पाइप दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, ये हल्का लाइट वेट होता है, आपको काम करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है। और ये सोप डिस्पेंसर जो कुछ काम का नहीं है, ऐसा नॉर्मली मशीन के साथ आता है वो, ये बेकार, मैं हर बार ऐसा वीडियो में ऐसा लेके ऐसा फेंक देता हूँ जो कुछ काम का नहीं है। ये इनलेट पाइप है, और ये एक्सटेंशन रॉड है, ये एक्सटेंशन रॉड, इसको हम खोलेंगे, हम इसको ऐसा लगा सकते हैं। एक्चुअली मैं तो ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करता, फिर मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ऐसा देखो, आप जब आप ऐसा लगाते हो तो ऐसा आपको ये जो गन है ये ऑटोमेटिकली लंबा हो जाता है। ये है शैम्पू, देखो एक पाउच शैम्पू दिया, शायद आप एक बार के लिए यूज़ कर सकते हो। वैक्सपॉल का शैम्पू दिया हुआ है, और ये फिल्टर वगैरह दिया हुआ है। ये देखो ये इनलेट पाइप का कनेक्टर है, मैं आपको फटाक से कनेक्शन करके दिखाऊंगा बाद में। ये देखो ये फोम केन कनेक्ट करने का कनेक्टर है। वाह, ये देखो ये एक फिल्टर एक्स्ट्रा दिया गया, आजकल मशीनों में डबल डबल फिल्टर देने लगे, अगर ये कभी टूट भी जाए तो आप दूसरा भी आप यूज़ कर सकते हो इस वजह से। ये देखो ये दो दिया हुआ है, तो एक के साथ एक फ्री दिया है। ये हर मशीन में नहीं देता ऐसा फ्री, पर इस मशीन के साथ दिया हुआ है। ओके, फाइनल हमारा ये मशीन, ये देखो ये ब्लोरेक्स का मशीन। वाह, यहाँ पर तो चमक रहा है, ये मुझे कोटिंग अच्छा लगा, देखो ब्रास कोटिंग किया हुआ है जो अच्छा चमक रहा है वाला मशीन। इसमें क्या जंग वगैरह पड़ने का चांसेस नहीं है, जंग नहीं लगेगा इसमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इनलेट पाइप ज्वाइंट करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले ये इनलेट ये पाइप लेना है, और इसको ऐसा कनेक्शन करना है। देखो ऐसे इनलेट पाइप को ऐसा इसके अंदर ऐसा डालना है, ऐसा इसके बाद में टाइट कर देना है, ऐसा ये ऐसा टाइट हो गया। अब हम इस मशीन में यहाँ पर ऐसा लगाएंगे इसके साथ, ये देखो ये जो फिल्टर है इसके साथ हम इसको ऐसा लगा देंगे यहाँ पर। ये तो ऐसा दो फिल्टर देगा, आप इसको एक्स्ट्रा ऐसा रख सकते हो साइड में। ये थोड़ा ज़्यादा टाइट नहीं करना, ज़्यादा टाइट करोगे तो बाद में वो यहाँ से क्रैक हो जाएगा, कड़क पाइप होता है। और इसके बाद में ऐसा देखो ये ऐसा ऐसा पुल होता है, देखो ये ऐसा, ये देखो आगे पीछे हो रहा है, देखो आपको, तो ऐसा पुल करके इसके अंदर ऐसे डाल देना है। देखो वापस जब आप निकालोगे तो इसका पुल करके ऐसा खींचोगे तो ऑटोमेटिकली बाहर भी आ जाएगा। ये देखो इसको ऐसे पुल करके ऐसा इसको अंदर डाल दिया, ऐसा कट करके आवाज आए, इसको छोड़ देना है, बाद में ऑटोमेटिकली लॉक होगा। अभी आप खींचोगे तो भी नहीं निकलेगा, पर वापस इसको जब ऐसे पुल करोगे ब्लू कलर को, इसके बाद में ऐसा ये देखो ये बाहर आ गया। तो ये सिस्टम होता है, देखो ये ऐसा लॉक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनलेट में जो फिल्टर दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लगाएंगे। जैसे हमने अगर बाल्टी में अगर पानी लेके यूज़ किया तो हमको ये फिल्टर लगाना कंपलसरी, ताकि बाल्टी के अंदर से कोई ऐसा कचरा ना जाए अंदर। चलो मैं आपको कुछ नया दिखाता हूँ, जैसे वीडियो में आज पहला बार दिखा रहा हूँ ये चीज़ें। जैसे कि बहुत लोगों का कंप्लेन आता था कि भाई ये जो फिल्टर है ये देखो ये पानी में तैरता है ना, जैसे हम इसको लगा देंगे ना, देखो ऐसा हम लगा देते हैं ऐसा, ये पानी में तैरता है, देखो ये डूबता नहीं है, देखो ये देखो ऐसा रह जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके अंदर ना खोल सकते हैं हम इसको फिल्टर को, ऐसा इसके अंदर ना कुछ एक नट बोल्ट, बड़ा वाला जो नट बोल्ट होता है वो आप इसके अंदर एक डाल के बाद में इसको ऐसा पैक कर दो। इससे क्या हो जाएगा, नट बोल्ट लोहे का वजन होता है लोहा का, तो हम इसके अंदर इजीली ऐसा डूब जाएगा वो। जब ऐसा डूब के रहेगा ऐसा, तो बाद में आपको ऐसा बार बार बाल्टी ऊपर नहीं आएगा, यहाँ से मशीन से बाद में एयर नहीं लेगा, जब एयर नहीं लेगा तो बाद में मशीन सही से काम करेगा। तो दोस्तों अभी इनलेट तो हो गया कनेक्शन, अब मैं आपको दिखाता हूँ आउटलेट का कैसे कनेक्शन करना है। इसको यहाँ पर लगा देना आउटपुट को, ये देखो ये साइड में ऐसा, देखो जो इनलेट पाइप होता है वो नीचे साइड में होता है, जो आउटलेट का होता है वो ऊपर साइड में होता है। चलो ये कनेक्शन हो गया है, अब हम इसमें ऐसा गन फिट करेंगे। ये देखो ये हमारा गन फिट हो गया, ये देखो ये मैंने कनेक्शन कर लिया है। देखो मैंने बाल्टी में पानी भरा इसमें, और ये मैंने प्रॉपर कनेक्शन किया है, वो फोम केन है सब मैंने रेडी कर लिया है। देखो ये देखो मशीन मैंने प्रॉपर कनेक्शन कर लिया है। तो दोस्तों मैंने मशीन फुल फाइनली कनेक्शन कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नोजल को नहीं लगाएंगे। देखो ऐसे हमने ऐसा गन को दबा के रखना है, उसके बाद नोजल को ऐसे हाथ में रख के बाद में ऐसा उसको चालू कर देना है। देखो जब हम मशीन से चालू करेंगे तो यहाँ से जब क्लियर पानी आने लग जाए, जैसे अभी क्लियर पानी आने लग गया, एयर भी सब निकल गया, उसके बाद हम इसको फाइनली इसको लगा देना है ऐसा। ये देखो जब तक एयर भी प्रॉपर नहीं निकल जाए तब तक उसको ऐसा लगाना नहीं। ये देखो ये लग गया है, अब हम इसको प्रेशर देखेंगे कैसा है। ये देखो प्रेशर, मस्त प्रेशर आ रहा है।
अब हम इस कार को वॉश करेंगे। कार तो बिल्कुल एकदम गंदा हो चुका है, तो अब मैं आपको इसको फोम वॉश करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसके साथ जो फोम कैनन आता है उसमें भी देखेंगे कितना फोमिंग होता है कि नहीं होता है, कैसे काम करता है, वो भी मैं आपको फुल ऐसा वीडियो बना के बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखते रहो। चलो तो हम सबसे पहले अभी कार को फुल अच्छे से पानी मार लेते हैं। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। न ठहरेगा कोई आँखों में मेरे, हो ना सकूंगा मैं और किसी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। देखो ये साइड में कार कैसा गंदा है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो करीब से दिखाता हूँ, देखो पूरा मट्टी भर चुका है, ये देखो कि कोई गुटखा खा के कार में बैठा, देखो गुटखा खा के देखो बिल्कुल गंदा कर दिया। क्या करें, अभी गांव में आया हूँ तो ऐसा ऐसे आड़े तेरे लोग हैं यहाँ पर कि पूछो मत। गुटखा खा के बिल्कुल मेरे कान को भी गंदा कर दिया, देखो मार्किंग कैसा कर दिया यहाँ पर। ऐसे भी सब क्लीन हो जाएगा, देखता हूँ गुटखा का जो दाग है वो प्रेशर से जाता है कि नहीं। वैसे मार्किंग थोड़ा डल तो हुआ है, पर आपको यहाँ पर घिसना पड़ेगा, देखो मैं प्रेशर से पूरी तरह से 100% क्लीन नहीं हुआ है, तो उसको थोड़ा सा ऐसा शैम्पू मार के उसको घिसना पड़ेगा, हल्का सा हाथ मारना पड़ेगा। दोस्तों तो अब कार को फुल पूरी तरह से पानी मार के हो गया है, अब हम क्या करेंगे, फोम स्प्रे करेंगे कार पे। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, नोजल को निकाल देंगे, और ये जो क्विक कनेक्टर है, ये देखो ये क्विक कनेक्टर जो फोम कैन के साथ लगता है, इसको हम इसको यहाँ पर ऐसे आगे ऐसा लगाएंगे, और ये देखो ये ऐसा आगे पीछे होता है, ये देखो ये इस तरह का ऐसा आगे पीछे होता है, देखो आपको दिख रहा होगा क्लियर, ये देखो ये ऐसा ऐसा ये आगे पीछे होता है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको ऐसा इस फोम कैन को लेंगे और ऐसा इसको ऐसा खींच के पकड़ेंगे, ऐसा पीछे करके ऐसा, बाद में इसको ऐसा पुश कर देंगे ऐसा, ये देखो ये कनेक्ट हो चुका है। अब ऐसा ऐसा गोल गोल घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या है ना उसमें से बराबर इजीली जो है ना वो फोम निकलेगा, ऐसा उसमें से लीकेज ऐसा खींचने से नहीं आएगा, वापस जब खोलने का रहेगा तो हमको क्या करना, ऐसे सेम ऐसे पीछे तरफ ऐसा खींचना है इसको ऐसा, ये देखो इजीली लूज़ हो गया, ये एक क्विक कनेक्टर का खासियत है। चलो ठीक है, अब हम क्या करें, इसमें से सबसे पहले हम टायर को मार के देखेंगे फोमिंग निकलता है कि नहीं निकलता है। हाँ अब ठीक है, जब फोम ठीक से निकलने लग रहा है तो अब हम पूरा फुल कार को ऐसा अप्लाई कर देंगे फोम। तो दोस्तों फोम तो हमने स्प्रे कर दिया है, पर मैं आपको ईमानदारी सर्वे बताऊंगा कि यहाँ पर ये जो फोम है उतना गाढ़ा नहीं आ रहा है, स्लाइटली पतला टाइप का फोम आ रहा है, फिर भी इतना बुरा नहीं है, मतलब काम तो चल जाएगा, क्योंकि देखो मशीन के साथ फ्री में फोम कैन दे रहा है, तो इससे अच्छा और क्या होगा, तो ऐसा इतना बुरा नहीं है तो काम चल जाएगा। और मैंने अभी 2 मिनट ऐसा रुका हूँ ना, तो थोड़ा सा ऐसा शैम्पू जो ना और स्लोली स्लोली कार से ऐसा नीचे गिर रहा है, देखो ऐसा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तो वीडियो में लाइव देख लिया किस तरह का फोम आ रहा है, मशीन पावरफुल है, बस फोम कैन थोड़ा सा स्लाइटली फोमिंग क्रिएट कम करा, आपने देखा हल्का सा पतला फोम कर रहा है, पर ऐसे खुद के मतलब पर्सनल यूज़ के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है फोम कैन तो ऐसे भी बॉक्स के साथ फ्री में आ रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा ऐसा अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। और ये जो साथ में जो माइक्रोफाइबर कोला था है, हम इसके साथ अभी पूरा फुल कार को ऐसा अच्छे से कपड़ा मार लेते हैं। थुका खा के जो थुका था अभी ये बिल्कुल क्लीन हो गया है, वो ये देखो अभी यहाँ पर बिल्कुल कोई मार्किंग नहीं है, चकाचक हो गया है। फुल कार में अभी पहला पानी मारा, फिर बाद में फोम स्प्रे किया, फिर हमने कपड़ा भी मार दिया, अब हम प्रॉपर पानी मार देंगे और कार देखना बिल्कुल एकदम ऐसा चकाचक क्लीन हो जाएगा।
दोस्तों कार बिल्कुल चकाचक हो गया है। अब मैं आपको इसको कार को प्रॉपर ऐसे अच्छे से थोड़ा पोछ लेता हूँ, कपड़ा मार लेता हूँ, नहीं तो क्या हो जाएगा बाद में वाटर ड्रॉप्स आ जाएगा पेंट पे। इस वजह से मैं थोड़ा कपड़ा मार लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको फाइनल राउंड दिखाता हूँ कार कैसा चमक गया है। तो दोस्तों ये देखो कार बिल्कुल एकदम चकाचक हो गया है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने तो पहले तो देखा कार कैसा था और अब देखो चमक रहा है। एक्चुअली मैं काफ़ी देर बाद मैं ऐसा कार वॉशिंग करता हूँ ताकि अच्छे से गंदा हो जाए, मैं आपको प्रॉपर ऐसे वीडियो बना के दिखा सकूँ। इस वजह से मैं कार ज़्यादा मैं वॉश नहीं करता हूँ, ये देखो। तो दोस्तों आपने तो देखा मशीन कितना प्रेशर है ना, कितना पावरफुल, आपने तो देख ही लिया, और कैसा परफॉर्मेंस है वो भी आपने देख लिया, और कार भी बिल्कुल एकदम चकाचक क्लीन हो गया है ना। तो आपको अगर ये मशीन खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके खरीद सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।